हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीपुर आपका स्वागत है बिशप अमरदी मिनिस्ट्री में। प्रभु आपका ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु महान है, राजों का राजा है, प्रभु का प्रभु है। वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रभु महान है, राजों का राजा, प्रभु का प्रभु और आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। और आज का हमारा टॉपिक है कि आप लोगों में क्या बांटते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा चमत्कार। मैं इसकी गहराई में जाऊंगा बात की और आपको समझाऊंगा कि हमें क्या बांटना चाहिए। आप लोग सोचते होंगे शायद समोसे बांटने होंगे या बर्फी बांटनी होगी लोगों में। नहीं, हम लोग संसारिक नहीं हैं, हम लोग आत्मिक लोग हैं। इसलिए मेरे जितने भी टॉपिक होते हैं वो सब आत्मिक होते हैं, संसारिक नहीं होते हैं। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या बांटना है। हालेलुया, उससे पहले मैं एक आपको सच्ची घटना बताना चाहता हूं और उसी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या बांटना है। हालेलुया, अगर हम बात करें प्रेरितों 3 में लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय आराधनालय में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसका वह प्रतिदिन आराधनालय के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे। वे आराधनालय में जाने वालों से भीख मांगे। एक इधर जब पतरस और यूहन्ना आराधनालय में गए और वहां पर एक लंगड़ा था, उसके परिवार के लोग डेली उस आराधनालय के बाहर बैठा देते थे कि जैसे कोई आय जाय करेगा तो कुछ ना कुछ उसको देता रहेगा। कोई सिक्के दे देगा, कोई रोटी डाल देगा, कोई अचार डाल देगा, कोई सब्जी डाल देगा, कोई पैसा डाल देगा, कुछ भी वो रोजाना करते थे। ऐसा वचन कहता है कि जो सुंदर कला था उसको बिठा देते थे कि वह आराधनालय में जाने वाले से भीख मांगे। उसको वहां से उठाते, बेचारे को लाकर बिठा रहे थे, फिर उसको उठा के घर ले आते, फिर उसको उठा के फिर बिठा रहे थे। वो बेचारा, उसका काम ये था, उसका बिजनेस ये बन गया, उसका घर ही वो बन गया, उसका परिवार ही वो लोग बन गए। वो करे क्या बेचारा, वो परेशान हो गया। लेकिन वो क्या कर रहा था, उसने वही हाथ जो वो लोगों को आगे फैलाता था कि आ मेरी मदद कर दो जी, आटा दे दो जी, आ सब्जी दे दो जी, अचार दे दो जी, पैसा दे दो, सिक्का दे दो, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, वही हाथ उसने पतरस और यूहन्ना के आगे उस हाथ को फैलाया। वचन कहता है कि जब उसने पतरस और यूहन्ना को आराधनालय में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके आराधनालय में गया। हालेलुया, और सब लोगों ने चमत्कार को देखा। आपको पता है जो लोगों के आगे हाथ फैलाता था, मेरी मदद करो, 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 लेकिन उसने वही हाथ परमेश्वर के लोगों के आगे फैलाया तो उसका जीवन बदल गया। पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा कि जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है बल्कि जो मेरे पास है वो मैं तुझे दे रहा हूं। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोगों को क्या बांटते हैं। हालेलुया, जो लोग जगह जगह हाथ फैला रहे हैं, तू मेरी मदद कर दे, मेरे घर के हालातों को बदल दे, तू मेरी मदद कर दे, मेरे घर के हालातों को बदल दे, तू मेरे घर की मदद कर दे, तू मेरी मदद कर दे, मेरे परिवार पाप में है, मेरा घर नाश होने जा रहा है, तू मेरी मदद करो, तू मेरी मदद करो, तू मेरी मदद करो। हालेलुया, कुछ लोग आशा रखते हुए हाथ बढ़ाते हैं, शायद वो मेरी मदद कर देगा, शायद वो मेरी मदद करेगा, शायद वो मेरी मदद करेगा। लेकिन यहां पर उसने क्या देखा कि पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा, सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है पर जो हमारे पास है वो मैं तुम्हें देता हूं। उसके पास अगर सोना चांदी रख देते ना, एक बोरा भर के रख देते तो भी वो ठीक ना रहता, लेकिन उसको जीवन भर का सोना मिल गया, उसका जीवन बदल गया। वो चलने लगा, वो दौड़ने लगा,
कितना जब खुशी से घर गया होगा तो कितना बड़ा चमत्कार परमेश्वर उसका जीवन में किया होगा। हालेलुया। कि मेरा परिवार अपने परिवार के पास जब गया होगा, उन्हीं लातों से जो बेचारा उठाकर उसको डेली बिठाने बिठाने आते थे, उसको डेली बिठा के जाते थे, उसको डेली बिठा के जाते थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने चमत्कार किया। कैसे चमत्कार हुआ? क्योंकि उन्होंने बांटा। वो क्या बांटा था? जो पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने जो अधिकार दिए हुए थे कि तुम मेरे नाम से बड़े बड़े काम करोगे, वही अधिकारों को उन्होंने इस्तेमाल किया और उससे क्या बांटा और क्या कहा? सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर जो है वो मैं तुझे देता हूँ, ले चंगाई ले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उसने चंगाई को बांटा वहां पर। हमारे पास भी बहुत ऐसे लोग आते हैं जो हमें हमारा दुखड़ा बताते हैं, क्या करें जी, ऐसी घट हो रखा है मेरे परिवार में, क्या करें जी, डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है, क्या करें जी, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्या करें जी, हम ऐसा हमारे। लेकिन हम उनसे क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, तसल्ली रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप उन्हें बांटते नहीं हो, उन्हें वो नाम नहीं बांटते जो सब नामों से सर्वश्रेष्ठ है, जो सब नामों से ऊंचा वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। आप वो लोगों में नहीं बांटते जो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, कोई भी नाश ना होने पाए, हम सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। हालेलुया। और वचन यहां पे क्या कह रहा है? वो लंगड़ा, वो जन्म का लंगड़ा दौड़ने लगा, उछलने लगा, कूदने लगा, नाचने लगा, उसका जीवन बदल गया प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसके बंधन टूट गया प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसका जीवन बदल गया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वचन कह रहा है कि वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके आराधनालय में गया। तो परमेश्वर के लोगों, हमें भी यही करना है। हालेलुया। इसमें दो बातें मैं आपको सिखाऊंगा कि जब हम चंगे हो जाते हैं तब हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आपको धन्यवाद परमेश्वर का आराधनालय में जाना है, परमेश्वर के घर में जाना है और वहां पर अपनी गवाहियों को देना है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार कर दिया, और तो परमेश्वर आपके जीवन में और बहुताई से आपको ब्लेस करेंगे। यहाँ पर इसने उस चीज को बांटा, इसने उस नाम को बांटा, वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम, जो मुर्दों में से जिंदा हो गया, वो नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम, जिसका मुंह पे थुका गया, जिसका कोड़े मारे गए, जिसको परछल्ली किया गया, जिसको परेशान किया गया, जिसको लहू लुहान किया गया और उसने जिंदा होके दिखाया, उस परमेश्वर का नाम को हमें बांटना है। वो नाम जो मरने के बाद फिर जिंदा हो गया, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। वो नाम जो मरने के बाद लोगों के बीच में रहा और उनसे हाथ लगाकर कहा, देख मैं वही हूं, वही परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है। तो आपने करना क्या है? आपने बांटना है। हालेलुया। आपने बांटने, आपने चमत्कार देखिए, वो लंगड़ा कूदने लगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उसको ये था कि शायद मुझे सोना दे देंगे, शायद मुझे सिक्का दे देंगे, शायद मुझे रोटी डाल देंगे, शायद मुझे आटा डाल देंगे, शायद मेरी मदद करेंगे। लेकिन उन्होंने उसका जीवन ही बदल दिया। हालेलुया। आपके भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके हालात ऐसी है, जो डूब चुके हैं संकटों में, परेशानियों में, बंधनों में, लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर उनसे प्यार करते हैं, इसलिए बांटें, इसलिए उन्हें बांटें ताकि परमेश्वर उनका जीवन में अद्भुत कार्य कर सके। हालेलुया। ताकि प्रभु महान है, आपके जीवन में बहुतायत से ब्लेसिंग दे सके। हालेलुया। इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता, इन्हें ब्लेस कर मेरे पिता, और मेरे पिता आज इनसे बात कर मेरे पिता कि ये भी बांटे मेरे पिता। परमेश्वर बांटना क्या है? परमेश्वर के प्रेम को बांटना है, परमेश्वर के सच्चाई को बांटना है, परमेश्वर के ज्ञान को बांटना है। और रबसाला खरबनम मेरे पिता, परमेश्वर प्रभु जी इनकी प्रार्थना को सुनो मेरे पिता, और इनका जीवन मजबूत कार्य करो मेरे पिता। उसने मेरे पिता, उस लंगड़े ने कुछ मांगना चाहा कि ये भी उन लोगों की तरह दे देंगे मुझे, ये भी उन लोगों की तरह दे देंगे मुझे, लेकिन ये अलग थे, ये लोग अलग थे, क्योंकि परमेश्वर को लोग अलग किए गए हैं, ये लोग अलग थे। इन्होंने इतने साल से जो वो लोग नहीं दे पाए, और इन्होंने पल भर में वो कर दिया इनका जीवन में जो उसने सोच भी नहीं रखा था।
तो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवनों में भी ऐसा हो जाए कि जो इन्होंने सोच नहीं रखा है मेरे पिता, वो इनके जीवनों में उससे कहीं बढ़कर इन्हें आशीष मिल जाए, उससे कहीं बढ़कर इनका जीवन मजबूत कार्य हो जाए, उससे कहीं बढ़कर ये लोग ब्लेस हो जाएं, उससे बढ़कर ये आशीष हो जाएं, उससे बढ़कर इनका जीवन मजबूत कार्य हो जाए, उससे बढ़कर ये आशीष हो जाएं। ओ रवसा लखरवनम देखने वाले परमेश्वर प्रभु जी इनका जीवन मजबूत कार्य करो, इनके जीवनों में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, ये आशीष को पाएं, ये आशीष को पाएं प्रभु यीशु के नाम से, ये आशीष को पाएं प्रभु यीशु के नाम से, ये आशीष को पाएं प्रभु यीशु के नाम से, ये वचन शैतान चुराने न पाए। ओ रवसा लखरवनम्मा जिस तरह वो लंगड़ा दौड़ने लगा था प्रभु यीशु के नाम से, वैसे मेरे पिता आज इनका जीवन मजबूत कार्य होने पाए। वो लंगड़ा जिस तरह दौड़ने लगा था, इनका रुक के काम दौड़ने लगे प्रभु यीशु के नाम से, जो काम रुक जाते हैं इनके प्रभु यीशु के नाम से वो काम दौड़ने लगे, प्रभु यीशु के नाम से वो काम दौड़ने लगे, और इनका जीवन मजबूत कार्य कर मेरे पिता। हर एक बंधन, हर एक श्राप प्रभु यीशु के नाम से टूटे और आशीष को पाएं प्रभु यीशु के नाम से। परमेश्वर इनका जीवन मजबूत कार्य कर और आशीष को पाएं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।